देश में लोकसभा चुनाव के दो चरणों में मतदान हो चुके हैं, अब पांच चरण बाकी है। यहां देखा गया है कि दो चरणों में मतदान कम हुआ है और इसी को लेकर नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश गाड़ेकर अपने दोस्त किशोर भिवगड़े सुमित जीपकाटे भारत पीसे के साथ मतदान जागरूकता के लिए निकले हैं। गणेश मतदान के साथ ही जनजागृति के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करेंगे। यह जागरूकता यात्रा 28 अप्रैल से 22 मई तक 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। गाड़ेकर ने एक कार पर बैनर लगाया जिस पर लिखा है पहले राष्ट्र फिर मैं, ऐसा संदेश लेकर वह गाँव गाँव जाकर मतदान के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। 27 तारखेपासून आम्ही प्रचार मतदान जागृती यात्रा व 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा आम्ही करतो आहे। याचा उद्दिष्ट फक्त एकच आहे की समाजातील लोकांना भाविकांना जागृत करणे की तुम्ही मतदान करा आणि या देशाचा नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य बजावा। आम्ही मतदान केलं आहे, आता आम्ही देशातील ज्योतिर्लिंगामध्ये जाऊन मतदानाचं आम्ही आवाहन करतो आहे, लोकांना समजून सांगतो आहे। आणि एक महत्त्वाचं की आता हा जो देशाचा पर्व आहे, हा त्यौहार आहे, हा मतदानाचा त्यौहार आहे, या त्यौहारामध्ये सर्वांनी सहभागी होऊन मोठ्या संख्येने आपण मतदान करावं ही आमची इच्छा आहे। आणि याकरता आम्ही मतदार जागृती यात्रा काढतो आहे। आमच्यासोबत किशोर भिवगडे साहेब आहे, सोबत भरतजी पिसे आहे, सुमितजी जिपकाटे आहे। आम्ही चार जण 12 ज्योतिर्लिंगाची यात्रा करून मतदान करण्याकरता लोकांना प्रोत्साहित करतो आहे। उनका एक ही कहना है कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाना चाहिए जिससे देश में एक सक्षम सरकार का निर्माण हो सके। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।